पहले जाके कांवड़ यात्रा की बात करते हैं और जैसी एंटी इंडिया बात करते हैं अचानक भीख मांग लेते हैं पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका से भारत में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों में अपना नेम प्लेट लगाने के आदेश का जिक्र कर दिया इसे आधार बनाते हुए वो भारत में धार्मिक आजादी पर खतरे का सवाल उठाने लगे जिस पर अमेरिकी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पत्रकार की होशियारी गुम कर दी पाकिस्तानी खुद पे थूक रहे हैं बोल रहे हैं यार की धिक्कार है हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना और भारत का नाम लेके तू जोर जोर से शुरू कर देना। दुनिया जो है साल का कि जिसने इनके पैसे मारे है ये उनके लिए नाचे है जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार उसकी बुनियाद से ही जारी है वो भारत पर आरोप लगाए तो हंसी और गुस्सा दोनों आना स्वाभाविक है कितने प्यार से इसने भीख मांगी है और मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तानियों को कि अगर गोरा बोलेगा तो मेरे मुल्क में सब ठीक हो जाए खानदानों के खानदान उजड़ गए मुल्क की उजड़ तो गई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इकॉनमी सब बर्बाद मुल्क कंगाल हो गया, हो गया मकरूज गया लोग भूखे मर रहे हैं भाई भाई को मार रहे हैं उनकी जायदादें जब्त करो मैं पाकिस्तान के नाम क्योंकि जहाजे वाली तो पाकिस्तान का ही है ना ये आप रमजान के महीने में बाहर कुछ खा पी के दिखा दीजिए लोग आपको गिद्ध की तरह नोच लेंगे हाल ही में एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ और महाराष्ट्र की सरकार ने यह डिक्लेयर करा कि महाराष्ट्र का जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है या टोटल वेल्थ है या टोटल जीडीपी है यू नो द दर वैल्यू ऑफ 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 द फाइनेंशियल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्टेट इज एट 439 बिलियन यूएस डॉलर्स 439 बिलियन यूएस डॉलर्स और वहां पाकिस्तान का तीन अड़तीस बिलियन डॉलर तो इसका यह कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से 101 अरब डॉलर कम है अब आप बोलेंगे साहब कि आप क्यों कंपेयर कर रहा है मैं नहीं कंपेयर कर रहा मीडिया कंपेयर कर रहा है भारत का और पाकिस्तान का और पाकिस्तानी खुद पर थूक रहे हैं बोल रहे हैं यार कि धिक्कार है धिक्कार तो मेजर भी कहता है रोज तो मानते नहीं हो चलो तुम खुद ही धिक्कार कर लो अपने ऊपर तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें हो रही हैं और वहां पर जो उनकी एनुअल ग्रोथ थी वो बोला था साहब कि 3.5 परसेंट होगी वो 2.8 परसेंट ऑफ द जीडीपी वो भी लोन ले लेके तो ये तो पाकिस्तान का बेड़ा करके लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान क्या करता है कि दो चार भाभा को भेज दो यू अंडरस्टैंड भाऊ भाऊ दो चार भाऊ बहू को बाहर भेज देता है पाकिस्तान और बोलता है कि तुम एक काम करो तुम अपनी ऐसी तैसी फिरवाना जब भी कोई सवाल जवाब होंगे उसमें से एक ऐसी तैसी फिरवाने में जो एक भाव भाव है उसका नाम है जहाजेब अली ए आर वाई न्यूज पाकिस्तान का ए आर वाई न्यूज का नाम मैं रखना चाहता हूं सी आर वाई न्यूज इट इज नॉट ए आर वाई क्राई न्यूज ये हर समय रोता रहता है हर समय इसकी छाती पे सांप लौटते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया मर गए बर्बाद हो गए साजिश हो गई धोखा हो गया, गया यहूदहनूद की यही काम ए आर वाई करता अब इसका जहाजे बली ये वही बंदा है जिसने हाल ही में नहीं पूछा था कि जो ट्रंप पे गोली चलाई है क्या ऐसा हो सकता है कि, कि किसी विदेशी ताकत ने यह काम करा वो फिर इसको वहां पे अमेरिका में इसलिए इसकी पोस्टिंग कर रखी है कहते हैं बेटा देख सुन तू काट तो सकता नहीं हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना और भारत का नाम लेके तू जोर जोर से भोंकना शुरू कर देना देखिए क्योंकि अगर वो वह से वाली की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और यह हर एक पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है अगर वो जाके पाकिस्तान की बात करेगा तो उसको कोई पानी नहीं पूछेगा दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई उनसे बात करता है पाकिस्तान की है, वो बात करते हैं पाकिस्तान की तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू पाकिस्तानियों की तब बनती है जब वो भारत की बात करते हैं तो अब इन्होंने सवाल कौन सा पूछ लिया अब देखना ये, ये पहले चाहते हैं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो फिर अचानक भीख भी मांग लेते हैं ये लोग ये जहाजे वाली भिखारी भी है ही बेगर ऑल्सो अब देखो इसने कैसे कितने प्यार से इसने भीख मांगी है और मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को तुम जैसे मांग सकते हो भैया कोई नहीं मांग सकता राइट right? जैसा तुम मांगते हो अब देखो इसने पहले बोला कांवड़ यात्रा के ऊपर जो बोला था ना कि नाम वाम लगाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा वैसा मत करो तो इसने बोला अमेरिका को कि क्या हुआ आप कुछ बोलते क्यों नहीं आपकी क्या राय मतलब हर चीज पाकिस्तानी एक चीज भूल जाते हैं जहाजे वाली अकेला नहीं है सारी पाकिस्तानी कौम में ये एक जिसको कहते हैं ना हार्डवेयर फिट है उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनका आर्मी चीफ चाहे आसिम मुनीर हो चाहे कमर जावेद बाजवा हो चाहे परवेज मुशर्रफ हो चाहे कोई भी हो अशफाक परवेज के यानी हो आपका ये इसके उसके बाद वाला जो था ना वो शरीफ क्या नाम था उसका वो कोई भी हो या कोई भी इनका प्रधानमंत्री हो इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को कि जैसे हम लोग गोरे के चरणों में लेट जाते हैं गोरे के कदम चूमने लगते हैं गोरे के कदमों पे जिस तरीके से पाकिस्तानी सजदा करते हैं वैसे दुनिया ऐसी करती होगी इनको एक्चुअली ऐसे लगता है इसीलिए कभी भी आप देखना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला आवाज उठाएगा तो पाकिस्तान के अंदर नहीं वो वॉशिंगटन में आवाज उठाएगा क्योंकि उसको लगता है कि अगर गोरा बोलेगा तो मेरे मुल्क में सब ठीक हो जाएगा और मैं उनको गलत नहीं कहता ठीक है जो आपके मुल्क में चलता है क्योंकि आपके मुल्क में गोरे की बात चलती है पाकिस्तानी की तो बात चलती नहीं आपके मुल्क में कभी भी आप देखना सबसे पहले जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी कलेश होगा कोई भी प्रॉब्लम होगी सारे के सारे उठ के अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम सही है ये गलत इसीलिए कभी आपको अमेरिका की सड़कों पे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा मिल जाएगा आपको नून लीग का झंडा मिल जाएगा आपको पीपल्स पार्टी का झंडा मिल जाएगा आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलेगा राइट ये क्योंकि ये है मुल्क ऐसी हजूम टाइप का है एक झुंड है एक भीड़ है एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट तो इसने बोला कि क्या है तो अमेरिकन ने बोला वो उनका कोर्ट वोर्ट ना कुछ बोल दिया यार कहानी खत्म हो गई राइट right? मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता ठीक है लेकिन आप इसमें भी देखिए दोगलापन जहाजे बली का दोगलापन देखिए और पाकिस्तानी कौम का दोगलापन देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट सारे चौबीस पच्चीस करोड़ जो पाकिस्तानी है उस पूरी कौम का दोगलापन देखिए और ये आर्ग्यूमेंट कई बार टेलीविजन पे दे चुके हैं तो मैं वही घसी भी आर्ग्यूमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन एक दो पॉइंट हैं जो मैं बोलूंगा यहां पर मैं पाकिस्तानियों से बोलता हूं यार आज की तारीख में ना इंडियन रेस्टोरेंट जो कुछ बेचता है खाने के आइटम उसके पास एक हलाल का सर्टिफिकेट रहता है जिसमें दुकानदार का नाम दुकान का नाम हर एक चीज की हा यहां पे चाहे उसका मालिक हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो चाहे कोई भी हो या तो कोई बोल दे कि मैं हलाल बेच ही नहीं रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सिर्फ झटका बेच रहा हूं राइट सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं सेक्युलरिज्म का मतलब यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है द लॉ शुड इक्वली अप्लाई और हिंदू की लड़ाई इस देश में इसी की है जहां पर वो तिरासी से लेकर पिचासी प्रतिशत है उस देश में हिंदू बराबर नहीं है और ये एक एग्जाम्पल है पूरे इसका जब बोला कि कांवड़ यात्रा नाम लिखो नाम लिखने से क्या है नाम लिखने का ये है कि भैया क्योंकि इंसान उस वक्त ये सारी चीजें गलत सलत चीजें खाता नहीं आप कई मुस्लिम देश हैं पाकिस्तान में आपको बता रहा हूं मैं पाकिस्तान के नाम क्योंकि जहाजे वाली तो पाकिस्तान का ही भवो है ना ये भाई ये पाकिस्तान का ही है बंदा इसलिए मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहा हूं आप एज अ नॉन मुस्लिम इवन एज अ मुस्लिम आप रमजान के महीने में बाहर कुछ खा पी के दिखा दीजिए लोग आपको गिद्ध की तरह नोच लेंगे गिद्ध की तरह नोच लेंगे वरना कम से कम चार पांच गालियां तो आपके हिस्से में आई जाएंगी कई सारे मुस्लिम देश हैं जहां पे एक कल्चर है कि पुलिस आपको आके पीटती है पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा कई ऐसे मुस्लिम देश हैं कई हैं जिन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम खाओ पियो हमारी भला से यार हमें कह लेना हमारा ईमान पक्का होना चाहिए हम नहीं करेंगे लेकिन कई ऐसे मुस्लिम देश हैं आपको पुलिस आके डंडे मारेगी कोड़ों से पिटाई करेगी आपकी अगर आपने खा लिया तो भाई जो सावन वाले हैं इनको पता होना चाहिए ना कहां से क्या खा रहे हैं और इसमें गलत क्या है इसमें एक बात बताओ इसमें कम्युनल क्या मुझे आज तक समझ में नहीं आया आप मैकडॉनल्ड्स चले जाइए भाई साहब आप किसी मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए वहां पर आपको यह पता लग जाएगा मैकडोनल्ड में जाके आप बोल दीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन दिखाओ आप कल देखना कल मैकडोनल्ड वाला आपको दिखा देगा हलाल सर्टिफिकेशन